दोस्तों, आज हम बीड मैनेजमेंट की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, और ये जनरली जीआरएफ और अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैं SRRT एंड रेटी एंड रेटी के बुक्स में जो बीड मैनेजमेंट की यूनिट है उसका एक छोटा सा टॉपिक्स कवर करते हुए हमने क्वेश्चन को लिया है। टॉपिक्स कॉमन बीड्स से लॉसेस एंड बेनिफिट्स है, उसका जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो परीक्षा में आते हैं, जनरली पूछे जाते हैं, उसको हमने लिए हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बीड स्पीसीज आर सीरियस डैमेज इन क्रॉप? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। ठीक है, देखिए 30,000 स्पीसीज वीट का जो टोटल वर्ल्ड में लिस्टेड है, जिसमें से 18,000 वीड स्पीसीज जो है सीरियस डैमेज करता है क्रॉप को। ठीक है, और उसमें से 18 जो डी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, जो ये है मोस्ट सीरियस डैमेज करता है क्रॉप को। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें सीरियस डैमेज पूछा जा रहा है, इसीलिए आपको आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एनुअल एग्रीकल्चर लॉसेस इन इंडिया बाई वीड्स। ठीक है, तो दोस्तों 33% लॉसेस जो होता है वीड्स से होता है, और इंसेक्ट से कितना होता है? 20% होता है, इंसेक्ट से 20% होता है, और डिजीजेस से जो लॉसेस होता है 26%, एंड अदर से जो लॉसेस होता है 21%। ठीक है, तो इसका आंसर ये। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द क्रॉप हाई यील्ड लॉसेस बाई वीड्स? ठीक है, कि कौन सा क्रॉप को जो यील्ड लॉसेस सबसे ज़्यादा वीड से होता है, वो है कैरोट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कैरोट। और कैरोट से कितना परसेंट लॉस होता है? कैरोट से 72.5% लॉस होता है। ठीक है, शुगर वीड से कितना लॉस होता है? शुगर वीट से 70.3% होता है, और ओनियन से कितना होता है? 68%। ठीक है, कॉटन से होता है 47.5% होता है, और राइस से होता है 41.6%। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और आ सकता है इसमें, कि सबसे कम मिनिमम लॉस किसका होता है? वो होता है ग्राम का, 11.6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेट होस्ट ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। तो वीट में जो ब्लैक रस्ट लगता है उसका अल्टरनेट होस्ट जो है कौन सा वीट है? तो इसका क्या होगा आंसर? इसका होगा एग्रोपायरोन रेपेंस, ए नंबर। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है, इसमें इसको आप नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। रेड ग्राम ग्राम कैटरपिलर है इसका, एमरेंथस है, धतूरा है। ठीक है, ये जो है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद याद कर लीजिए। तो इसमें जो हम क्वेश्चन लिए थे वीट का लिए थे, ब्लैक रस्ट का क्या है? एग्रोपायरोन रेपेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पूरा नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डर्मेटाइटिस स्किन एलर्जी केज्ड बाई वीट। कौन से वीट से स्किन एलर्जी होता है? आपको पता ही होगा ये, पार्थेनियम स्ट्रोफोरस। ठीक है, इसका आंसर है बी। दोस्तों ये कुछ उसका एग्जाम्पल्स है, ये हे फीवर एंड अस्थमा जो है, पॉलन ऑफ एम्ब्रोसिया एंड फ्रेंसिरिया। ठीक है, डर्मेटाइटिस स्किन एलर्जी किससे होता है? पार्थेनियम एंड एम्ब्रोसिया। इचिंग इन्फ्लेमेशन के किससे होता है? अट्रिका स्पीसीज, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ब्रूश वीट। इस तरह से ये इसको भी आप नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीट प्रेजेंट 92 कंट्रीज इन द वर्ल्ड? ठीक है, इसके आंसर क्या होगा? इसके आंसर होगा साइप्रस रोटुंडस। ठीक है,
इसमें देख सकते हैं आप जो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीट प्रेजेंट इन 92 कंट्रीज, ठीक है, फॉलोवेड बाई सैनाडोन डिक्टेलोन। तो ये टेबल में आप देख सकते हैं इसका जो सबसे ज़्यादा कंट्रीज को कौन इफेक्ट कर रहा है, साइप्रस रोटुंडस। ये रैंकिंग किया है, फर्स्ट रैंक में है साइप्रस रोटुंडस, है ना। उसको कॉमन नेम है नट ग्रास, सेजेस टाइप ऑफ वीट, सेजेस है, प्रेनियल टाइप वीट है। नंबर ऑफ क्रॉप्स है 52 क्रॉप्स को इफेक्ट करता है, और टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितना है, 92 है। सेकेंड रैंक में साइनाडोन डिक्टेलोन है, इसका जो नंबर ऑफ क्रॉप्स है 40 है और नंबर ऑफ कंट्रीज 80 है, ठीक है, इसको हम सेकेंड नंबर पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वीड यूज फॉर मेडिसिनल यूज फॉर स्नेक वाइट। दोस्तों कुछ वीड्स का अगर लॉसेस है तो कुछ उसका बेनिफिट्स भी है, उसको मेडिसिनल यूज भी किया जाता है। तो स्नेक वाइट के लिए हम कौन सा वीड का यूज करते हैं, लूकस अस्पेरा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लूकस अस्पेरा जो है ये किसके लिए यूज होता है, स्नेक वाइट के लिए। नेक्स्ट है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जो है गैस्ट्रिक के लिए यूज करते हैं। थर्ड है अर्जीमोन मैक्सिकना, क्यूरिंग स्किन डिसऑर्डर है। फाइलेंथस निरूरी जॉइंटिस के लिए यूज होता है, इसको आप नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वीड रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई पीएच टू लो पीएच वैल्यू ऑफ लैंड। तो इसके आंसर आ जाएगा अर्जीमोन मैक्सिकना, ए नंबर, ठीक है। दोस्तों इसको हम याद कर सकते हैं, जो रूमेक्स एसिटोसेला है ये लो एसिड टू एल्कलाइन बनाता है, ठीक है। रूमेक्स एसिटोसेला एसिड टू एल्कलाइन बनाता है, अर्जीमोन मैक्सिकना एल्कलाइन टू एसिड बनाता है। आपको इस तरह से याद कर सकते हैं, जो मैक्सिकना, ठीक है, तो ये मैक्सिकना मतलब मैक्सिमम है, लेकिन ये वीड जहाँ ग्रो होता है उस वहाँ का लैंड पीएच है वो मैक्सिमम नहीं रहता, मतलब मिनिमम हो जाता है, मतलब हाई टू लो हो जाएगा, ठीक है। अब एसिटोसेला मतलब एसिड, एसिड नेचर के है तो ये लो से हाई हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जिस लैंड पे ग्रो होगा वहाँ का जो पीएच वैल्यू है वो लो से हाई हो जाएगा, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वीड यूज फॉर कॉफी फ्लेवर। तो कौन सा वीड यूज करते हैं, चिचोरियम इंटाइवस, ठीक है। इसका जो रूट्स होता है उसको हम यूज करते हैं कॉफी फ्लेवर के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, NO2 इंडिकेटर वीड। NO2 इंडिकेटर वीड कौन सा है, यह है ब्रेसिका काबेर, ठीक है। इसको वाइल्ड मस्टर्ड बोलते हैं, ब्रेसिका काबेर। और सेटलेरिया रेडिका ये है SO2 इंडिकेटर वीड है, ये SO2 इंडिकेट करता है, जो सॉइल में अगर SO2 ज़्यादा है तो उसको इंडिकेट करता है। और इकोर्निया क्रेसिप्स है, यह है कार्डेमम को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वीड रिड्यूस द वूल क्वालिटी ऑफ शीप, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये जेंथियम स्ट्रोमेनियम, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका जो फ्रूट होता है ये स्पाइनी नेचर के होते हैं, जो जनरली शीप के वूल में चिपक जाते हैं और उसके वूल क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।